आज ऑथेंटिक इंडियन फूड आपके लिए बासी रोटी की इतनी टेस्टी सी एक रेसिपी लेकर आई है जिसके लिए आप मार्केट में जाके हजारों रुपया खर्च करते हैं। तो आज के बाद आप बासी रोटी देखकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, हम आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिए हैं और इसको इतना उबालना है कि ये गाढ़ा हो जाए। दूध को अच्छे से उबलने देते हैं। जब तक दूध उबलता नहीं है तब तक इसको आपको चलाते रहे। तो देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसी में एक एक करके तीनों रोटी को मैं डुबाते जा रही हूँ और निकालते जा रही हूँ। इसमें जब रोटी को डालेंगे तो 2 सेकंड के लिए इसको इसमें छोड़ देना है ताकि दूध में रोटी अच्छे से भीग जाए। और रोटी को हमेशा उबलते हुए दूध में ही डालना है, ठंडे दूध में बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरीके से दूध में रोटी को डालते जाइए और मात्र 2 सेकंड तक इसको इसमें रखिए और इसको फटाफट निकाल दीजिए। इस तरीके से एक एक प्लेट में इसको डालते जाइए। देखिए, तीनों रोटी को मैं दूध में डाल के निकाल ली हूँ। अब दूध को गाढ़ा होने देते हैं। तो जब तक दूध गाढ़ा होता है तब तक चलिए दूध को गाढ़ा करने के लिए हम आपको एक घोल बताते हैं बनाने के लिए। इसको रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, आधा कप दूध लगेगा, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/4 चम्मच दूध पाउडर। अब इसको मिला लेते हैं और जब ये अच्छे से मिल जाए, देखिए अच्छे से मिल गया है, अब इसको चलिए उबलते हुए दूध में डाल देते हैं ताकि हमारा दूध जो है जल्दी गाढ़ा। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप एक ब्रेड को मिक्सी में पीस के उसको मिला दीजिए दूध में, तो आपका दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए। और इसे चलाते रहना है। 1 चम्मच कटा हुआ पिस्ता, थोड़ा सा मैं दूध में डूबा हुआ केसर डालूंगी, उसके बाद 1/2 कप जैसा शक्कर। तो जब तक दूध गाढ़ा होता है तब तक चलिए रोटी को मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। तो देखिए, दूध गाढ़ा हो गया है। अब ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको गैस से उतारती हूँ। चलिए, अब दूध तो हमारा गाढ़ा हो ही गया है। अब चलिए रोटी को मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। तो देखिए, रोटी एकदम गल गया है, ये देखिए। चलिए, अब इसको मिक्सी में पीस लेते हैं अच्छे से। उसके बाद इसमें मैं 1/2 कप दूध डालूंगी और इसको पीस लेंगे। देखिए, ये इस तरीके से पिसाया है, ये देखिए। इसमें मैं अभी थोड़ा सा और दूध डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से एकदम सुंदर प्लेन पिस जाए। थोड़ा सा दूध इसमें और अभी लगेगा। इसी समय 2 इलायची डाल दूंगी इसमें और 2 चम्मच शक्कर डाल दे रही हूँ। पीसा हुआ नहीं है मेरे पास, खड़ा हुआ शक्कर 2 चम्मच। चलिए, इसको एक बार और पीस लेते हैं। देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके का होगा, ये देखिए। चलिए, इसको एक बाउल में डाल देते हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से गिरना चाहिए जैसे अभी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए इसका पेस्ट। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे सौंफ 1 चम्मच, सूजी 2 चम्मच, नारियल का बुरादा 2 चम्मच और बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। और सबको अब अच्छे से मिला देते हैं अच्छे से। तो देखिए, ये हो गया है। चलिए, अब इसको रेडी कर लेते हैं। तो चलिए, इसको तवा में सेक लेते हैं। ये बिल्कुल मालपुआ जैसा आपको लगेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। घी से ही बनाइए, इसमें घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चारों तरफ से थोड़ा सा घी डाल दीजिए। तो चलिए, देखते हैं ये हो गया होगा। इसको पलट देते हैं, साइड साइड से थोड़ा घी डाल दीजिए इस तरीके से। देखिए, एक साइड एकदम सुंदर लाल हुआ है, ये हो गया है। चलिए, इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से चलिए सारे को बना लेंगे। तो देखिए, ये हो गया है। चलिए, अब इसको आपको गर्मा गर्म नीतू सर्व कर देती है। देखिए, टोटल हमसे इतने सारे देखिए ये बने हैं, जो बहुत ही मुलायम है ये, और ये है मेरा रबड़ी। इसको कैसे खाना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से एक प्लेट में आप निकाल लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा रबड़ी लीजिए। देखिए, ठंडा होने के बाद ये इस तरीके से गाढ़ा हुआ है। अब इसको इसके ऊपर डाल दीजिए इस तरीके से। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल दीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो डाल दीजिए। और अब इसको आप काट के देखिए, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, बिल्कुल ये चम्मच से कट जा रहा है। देखिए, देखिए ये इतना सॉफ्ट है। तो आप इसको जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसके सामने मालपुआ भी फेल है, जो बहुत ही कम तेल में बन जाता है। मालपुआ को आपको डीप फ्राई भी करना पड़ता है, लेकिन इसको डीप फ्राई नहीं करना पड़ा। देखिए, सामने से देखिए
इतना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो बस दो तीन चीज़ों से आप इतना अच्छा सा मिठाई रेडी कर सकती हैं घर में। बनाइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।